तो गाइस यार ये वाला ब्लू स्क्रीन का अभी जो है ट्रेंड चल रहा है, आप लोग सोच रहे हो कि यार ये ब्लू स्क्रीन क्या है, तो इसी के बारे में जो है आज डिस्कस करने वाला हूँ और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो जो है आप लोग पूरा देखिएगा। तो यार जितना ही फ्लाइट्स है यार वो इस ब्लू स्क्रीन की वजह से हमें कैंसिल हो चुका है, ट्रेन टिकट्स काटने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बैंकिंग में भी जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, हॉस्पिटल वगैरह हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, बोर्डिंग पास बनाने के लिए जो फ्लाइट का होता है वो यार लिख के पेन से बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारा कंट्री में तो यार स्टॉक मार्केट यार बंद पड़ गया है, मतलब बहुत ज्यादा इसका यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इस ब्लू स्क्रीन की वजह से। केवल यहाँ तक कि मीडिया टेलीकॉम कंपनी जितने भी यार सभी काम करना बंद कर चुका है। वैसे यार ये मतलब यार करोड़ों लैपटॉप में, करोड़ों कंप्यूटर्स में ये प्रॉब्लम आ रहा है, जिनका जो है विंडो का है, मैक वाला कोई दिक्कत यहाँ पे हो रहा है नहीं रहा है, लिनक्स मैक केवल यार विंडो ईयर को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो यार माइक्रोसॉफ्ट को भी यार पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ भाई, क्यों आखिर ये ब्लू स्क्रीन आया हुआ। और यार जो मलेशिया है यार, मलेशिया देश में तो यार 70% लैपटॉप यार पूरा डेड, मतलब ये ब्लू स्क्रीन का जो शिकार हो चुका है बिल्कुल यार, सभी जगह चारों ओर ब्लू स्क्रीन फैला हुआ है। तो यार सभी लोग बिल्कुल घबरा गए हैं। जो वर्कर काम कर रहे थे यार लाइव काम करते करते यार उनका स्क्रीन पे डायरेक्ट अचानक जो है ब्लू स्क्रीन आ गया था यार, डायरेक्ट उनका जो है माइंड मतलब यार घूमने लगा। जैसे एक रूम है और वहाँ पे मल्टीपल्स कंप्यूटर होते हैं, आप लोग देखे होंगे, तो यार वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं और अचानक ब्लू स्क्रीन आ जाए सभी पे, तो यार सोच सकते हैं कि मतलब कैसा वहाँ पे फील होगा, क्या और सोच कि यार अचानक ये क्या है, हैक है। तो अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट भी पता नहीं लगा पाया कि क्या है भैया, कोई हैक्स किया है कि क्या है, लेकिन जल्द ही जो है माइक्रोसॉफ्ट भी पता लगेगा। जब अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी कुछ भी मतलब पता नहीं चला है इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा एप्लीकेशन है वो यार काम भी करना बंद कर चुका है, पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट 360 टीम, जितना भी एप्लीकेशन आपको देखने मिल रहा है यार बिल्कुल काम करना बंद चुका है। और यार कुछ कुछ का लैपटॉप में यार बिल्कुल कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से अपना काम कर रहे हैं। मैं भी जो है अपना लैपटॉप में आराम से काम कर रहा हूं यार, कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं हो रहा है। देखिए ये जो है प्रॉब्लम ज्यादातर यार उन लोग को आ रहा है जो लोग बिजनेस में मतलब अपना लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ये यार, मतलब ब्लू स्क्रीन भाई मतलब क्या कहा जा सकता है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर सकते हैं वो लोग। ओके यार तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो ब्लू स्क्रीन है यार, ये ब्लू स्क्रीन तभी आता है लैपटॉप में जब मतलब आपका लैपटॉप खराब हो गया, आपका लैपटॉप जो डेड हो जाता है उस समय ज्यादातर आपको ये ब्लू स्क्रीन देखने मिलता है। लेकिन यार अभी तो पूरा जो है ये ट्रेंड चल रहा है कि यार सभी पूरा जितना भी कंप्यूटर्स लैपटॉप है सभी में ये ब्लू स्क्रीन देखने मिल रहा है, तो सभी लोग जो है बिल्कुल घबरा गए हैं। तो यार आइए अभी मैं आपको ठीक करने बताता हूँ किस प्रकार से आप जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो यार आप लोग जो है ना मैनुअली इसको सोल्व कर ही पाएंगे, लेकिन यार यहाँ तक अभी तक जो है ना माइक्रोसॉफ्ट भी पता नहीं लगा यार, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में यार लैपटॉप में एक साथ जो ब्लू स्क्रीन आना आप लोग समझ सकते हैं यार, मतलब गजब का है यार, पहली बार यार इस प्रकार से हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का ये जो विंडो है, तो यार सभी एप्लीकेशन स्टॉप हो गए। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद यार कुछ आगे बताऊंगा। तो यार इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको जो है अपना कंप्यूटर को बूट करना है, वो भी सेफ मोड में, और सी ड्राइव में जाना है, विंडो सिस्टम 32 ड्राइवर्स करके जो होगा क्राउड स्ट्राइक नाम से एक होगा, उसमें यार आपको डिलीट करना है C000029 फाइल्स को जो है आपको डिलीट कर देना है। इसे आप लोग डिलीट कर देंगे तो यार आपका जो ये प्रॉब्लम वो सोल्व हो जाएगा। अगर आपको यार ये स्टेप बिल्कुल समझ में नहीं आया तो मैं इसका स्टेप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, वहां से भी आप जो फॉलो करके इसे सोल्व कर सकते हैं। तो यार माइक्रोसॉफ्ट में यार मतलब ये वाला ब्लू स्क्रीन आने के बाद एप्पल वाला भैया जो है मतलब पूरा खुश हो रहे हैं, अब तो यार मैं आगे निकलूंगा तो मतलब अलग ही एक प्रकार का जो है यहाँ पे सीन निकल जाता है यार। तो खैर इसमें क्या कर सकते हैं, जल्द ही जो है ना इसका जो भी मतलब पता चले क्यों आखिर इस प्रकार से हुआ, इसका वजह क्या था। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी पता नहीं है, मैंने आपको बता दिया था, पीछे भी बताया था, तो यार जैसे मतलब पता चलता है तो फिर से मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा यार क्या था, पूरा का पूरा जो है आपको ये सिस्टम को समझाऊंगा कि आखिर यार ये क्यों प्रॉब्लम आया हुआ। तो फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, बाय।